हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब ज्ञान बनारस में। और मैं से मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काफी लेटेस्ट अपडेट हुए, तो उसका पूरा नजारा। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आपको बैक कैमरे से पूरा नजारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको गंगा द्वार का नजारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सामने आपका गंगा द्वार, और इधर दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका देखिए बड़ा सा जो कि पूरा सेट लगाया गया है, और ये जर्मन हैंगर है, देखिए पूरा जो कि टेंट बनाया गया है, और ये जो कि किराए पर आया हुआ है। और गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए मंदिर परिषद ने ये जो कि कैंप लगाया है, पूरा टेंट लगाया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, क्योंकि ये पूरा पत्थर जो है धूप की वजह से काफ़ी जलने लगता है, जिससे कि श्रद्धालु को आने जाने में दिक्कत होता है। और देखिए यहाँ पर जो कि पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो कि सेट लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि श्रद्धालु काफ़ी आराम से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं। आप देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर आपका जो कि तार द्वारा सुरक्षित किया गया, जिससे कि बंदर इसे तोड़ फोड़ ना कर सके। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लोहे का तार लगाया गया है, क्योंकि मंदिर परिसर में बंदर काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए देखिए यहाँ पर पूरा जो कि लोहे का तार लगाया गया है, जिससे कि बंदर इसे नुकसान ना पहुँचा पाए। देख सकते हैं मंदिर परिसर में आपका जो कि कैनरा बैंक का शाखा भी खुल चुका है। और उधर तो खाऊं तो उधर आप देख सकते हैं सामने आपका अमूल का पूरा जो कि दुकान खुला हुआ है, अमूल पार्लर है। आपको यहाँ पर अमूल का हर आइटम मिल जाएगा, दूध, लस्सी, आइसक्रीम, चॉकलेट जो भी है सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय मानसरोवर की तरफ हूँ, और आपको इधर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए इधर जो कि इस समय आम लोग को जाना मना है, लेकिन देखिए कुछ लोग जा रहे हैं। आपको बता दूं कि सामने आप देख सकते हैं रेलिंग का कार्य चल रहा है, वहाँ पर रेलिंग लगाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, आपको करीब से उसका नज़ारा दिखाते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने देखिए आपका रेलिंग जो लग रहा है, पहले ये नीचे तक रेलिंग था, अब देखिए ऊपर स्टील का रेलिंग लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं माँ गंगा का नज़ारा। देखिए आरती का समय हो चुका है, और काफ़ी देखिए नावें चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी काम लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी कार्य लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर रेलिंग का कार्य चल रहा है, और देखिए यहाँ पर रेलिंग बनाने का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसमें गंगा द्वार के बाहर हूँ, और आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए सामने आपका जो कि गंगा गैलरी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसमें आपको ललिता घाट का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ का। और आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए काम लगा हुआ है सामने, और ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रेलिंग लगाने का कार्य चल रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने आपका जो कि ठंडा पानी का जो कि मशीन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर पानी पीने के लिए लाइन लगा हुआ है। तो आइए ऊपर चलते हैं, और ऊपर ऊपर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपका मैट बिछाया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं का पैर न जले
और इस पर आपको बता दूं कि दोपहर के समय पूरा पानी का छिड़काव होता है जिससे कि ये नम रहे और श्रद्धालुओं को पैर न जमे। और देखिए यहाँ पर पूरा टेंट लगाया गया है और देखिए यहाँ पर मंदिर परिसर की तरफ से देखिए पेय जल का व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और इधर देखो तो इधर आप देख सकते हैं उड़प्पी टू मुंबई रेस्टोरेंट। और इधर देखो तो इधर आप देख सकते हैं भारत माता की प्रतिमा। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बेहतर यहाँ पर लग रहा है, पूरा टेंट लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए और पूरा देखिए मैट बिछाया गया है और इस मैट पर जो कि पानी भी छिड़काव किया जा रहा है। और इधर देखो तो इधर आप देख सकते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा। तो दोस्तों आप इधर भी देख सकते हैं इधर भी आपका पूरा जो कि मैट बिछाया गया है और इस पर भी जो कि दोपहर के समय पूरा पानी का छिड़काव किया जाता है क्योंकि ये वाला टाइल्स पूरा जो कि जलता है जिससे कि श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसीलिए देखिए जो कि मंदिर परिषद की तरफ से यहाँ पर जो कि ये सब व्यवस्था दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सा कूलर लगाया गया है, देखिए इधर भी, और देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं और इन पंखों से फुहारा निकल रहा है जिससे कि श्रद्धालुओं को ठंडा एहसास हो, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो कि व्यवस्था दिया गया है गर्मी को देखते हुए, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बड़ा से जो कि जर्बन टेंट बनाया गया है, देखिए यहाँ पर लाइन के लिए पूरा जो कि बैरिकेटिंग किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक कूलर लगाया गया है और इधर देखो तो इधर आप देख सकते हैं निःशुल्क लॉकर। और देखिए ऊपर भी लगा हुआ है सेट पूरा। और ये सेट आपका जो कि पूरा सावन तक लगेगा, सावन के बाद यहाँ पर जो कि परमानेंट जो कि टेंट लग जाएगा, अभी ये जो कि किराए पर लगा हुआ है। आइए दोस्तों आपको कराते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के शिखर का दर्शन। सामने आप देख सकते हैं बाबा काशी विश्वनाथ का स्वर्ण मणि शिखर, दर्शन कर लीजिए, बोलिए हर हर महादेव। और गंगा द्वार कितना प्यारा है यहाँ पर जो कि नक्काशी बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर पूरा चेकिंग बाद तभी श्रद्धालुओं को अंदर छोड़ा जा रहा है मंदिर परिसर में। इधर जो कि प्रसाद का काउंटर लगा हुआ है, सामने आपका एक बड़ा से दान पेटी लगाया गया है, आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर हुंडी। देखिए अपनी धनराशि कृपया दान पेटी में ही डालें लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा काफ़ी बेहद खूबसूरत हो चुका है और काफ़ी जो कि आरामदायक हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। आप देख सकते हैं पूरा एकदम छाजन कर दिया गया है मंदिर परिषद को। और इधर देखाओ तो इधर आप देख सकते हैं इधर भी आपका जो कि निःशुल्क लॉकर है। आइए दोस्तों आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखा दूँ, नीचे शंकराचार्य चौक का, तो आप देख सकते हैं
अभी भी श्रद्धालु जो कि जा रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और देखिए ये जो कि बहुत ही बढ़िया काम हुआ है मंदिर परिसर में, ये जो सेट लगा हुआ है इसके वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिलेगा दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए आपका इधर भी लगा हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं गेट नंबर 1। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा होता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब जय हर हर महा।